आगे हम आते हैं अपने नेक्स्ट कलेक्शन की तरफ। ये इनको कहते हैं हज इशू नोट। एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान इन्होंने जब हज करने के लिए जो मुस्लिम यात्री होते यहाँ से जाते थे हज करने के लिए, अभी भी जाते हैं ठीक है, तो उनके लिए अलग तरह का नोट इशू किया जाता था। अच्छा, सरकार के द्वारा। अच्छा, भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा ये पाकिस्तान का नोट है, क्योंकि इंडिया वाला जो हज का जो नोट है वो थोड़ा महंगा है ठीक है। ये नोट पाकिस्तान का, यदि कलेक्टर कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आप इंडिया का नोट लोगे हज वाला तो आपको करीब करीब 50,000 का एक सिंगल नोट मिलेगा। नहीं, थोड़ा वो डिनोमिनेशन के हिसाब से महंगा सस्ता भी है। हाँ, इंडिया का महंगा, इंडिया का हज लोगे तो आपको 50,000 प्लस का नोट आता है, और यदि आप पाकिस्तान का लोगे तो आपको 2,000 रुपया में 4-5 लाख रुपए का भी नोट आता है डिनोमिनेशन के हिसाब। हाँ, डिनोमिनेशन के हिसाब से। तो अब मेरा उतना बजट नहीं था तो हमको कलेक्शन के टाइप, कलेक्शन के व्यू से हमने पाकिस्तान का रखेंगे ठीक है। इसमें आप देखोगे इसमें नोट के नीचे में आप इंडिया का नोट का पहचान है कि उस नोट के ऊपर लिखा रहेगा HAJ लिखा रहता है, सॉरी HAJ, तो हज इशू नोट को कहते हैं। रेड कलर से लिखा रहता है, रेड टाइप ऊपर टॉप में देखने को मिलेगा हज लिखा। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था इस हज के विषय में। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने, मतलब 2 महीने पहले मेरा लास्ट वीडियो हज के बारे में ही था, जो कि मैंने लोगों को कुछ बताया था हज के बारे में। हाँ, तो उन्होंने देखा जरूर जी जी, लेकिन ये नोट मेरे पास नहीं थे तो आज कुछ नया। हाँ, ये पाकिस्तान का नोट है। और ये हज करने के लिए लोग कहाँ जाते हैं स्पेशली, हज करने के लिए स्पेशली सऊदी ही जाएंगे, सिर्फ सऊदी ही जाते हैं। अब पाकिस्तान का नोट है तो उस पर लिखा हुआ रहेगा, आप स्पष्ट आप दिखाओ, आगे दिखाना अपने दर्शकों को, फॉर यूज इन सऊदी अरब ओनली, सिर्फ सऊदी अरब में चलता था। अच्छा, इसके बाद गल्फ इशू नोट होते हैं, जो गल्फ कंट्रीज के नोट होते हैं। जैसे गल्फ कंट्री में बहुत सारी कंट्रीज हो गए, जैसे हो गया आपका सऊदी हो गया, यूएई हो गया, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब इमिरेट्स हो गया, जॉर्डन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, बहुत सारे 7-8-10 कंट्री आते हैं ठीक है। तो इंडिया का भी नोट गल्फ में यूज हुआ करता था, और वो नोट आपको, उस नोट का पहचान है कि वो नोट आपको जो प्रीफिक्स होता है ना उस नोट का, वो जेड लिखा हुआ है। और खास बात है वो बनेगा, टूटेगा, फूटेगा, एक्सचेंज करोगे, कुछ भी करोगे, वो नोट आपको बॉम्बे से ही होगा, केवल मुंबई से, सिर्फ हाँ उस समय बॉम्बे बोला था। हाँ, तो वो सिर्फ बॉम्बे से ही होगा, टूटेगा फूटेगा, लोगे, एक्सचेंज करोगे, कुछ भी करोगे, आपको बॉम्बे से ही जाकर लेने देने पड़ते थे ठीक है। तो वो भी एक टाइप हो गया ठीक है, गल्फ इशू। अच्छा, अपना देश का नोट जो छाप के दूसरे देश को इस्तेमाल के लिए देते थे। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गल्फ इशू और हज इशू में क्या अंतर है। हज इशू सिर्फ सऊदी अरब के लिए, क्योंकि हज करने सिर्फ सऊदी जाते हैं, पर गल्फ में तो 7-8 बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे कंट्री, इस डिफरेंस से आप समझ लोगे दोनों का डिफरेंस। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशन मनी। ऑक्यूपाइड का, ऑक्यूपाइड इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब होता है कैप्चर करना ठीक है। तो क्या होता था, जैसे ये जापान ऑक्यूपेशन नोट है ठीक है, तो जापान ने चाइना में, वियतनाम में, जहां भी जाते थे और वहां पे जब ऑक्यूपाइड कर लेते थे ठीक है, वार के टाइम में जब वो किसी एरिया को ले लिए तो वहां पे अपना नोट जारी करते थे, जिसको अधिग्रहण कहते हैं हिंदी में। हाँ जी, अधिग्रहण कहते हैं, जैसे किसी देश से युद्ध हुआ और उस देश की कुछ भूमि हम लोगों ने ले लिया, वहां पे अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वो नोट जारी करते थे वहां पर। तो इसको ऑक्यूपेशन नोट कहते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्यूपाइड सबसे आया है, जहां कैप्चर होता है इसका मतलब। तो ये जापान ऑक्यूपेशन नोट मिल जाएगा, बहुत सारे कंट्री का आपको ऑक्यूपेशन नोट मिल जाएगा। तो ये उसी समय जारी हुआ था या अभी भी? वर्ल्ड वार के टाइम में एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर जाता था। जापान का है आपके पास? जी हाँ, जापान गवर्नमेंट का। अब ये तीनों नोट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो आप देख लो, ये पाकिस्तान के जो हज यात्री हुआ करते थे, हज जाते हैं उनके लिए ये नोट पाकिस्तान का ये निकाला जा सकता है, फॉर हज पिलग्रिम्स फॉर पाकिस्तान फॉर यूज इन सऊदी अरबिया ओनली। ये हो गया हज नोट, जिसमें अब इंडिया का हज नोट देखोगे तो यहाँ पे हज लिखा हुआ रहेगा दोनों साइड में, रेड कलर का वो भी नोट होता है वो हज लिखा हुआ रहता है, ब्लू कलर का भी 10 रुपये का नोट। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही वो वीडियो आपको बना के दिखाया है, इसके पहले वाला जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगा, आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हो कि वो हज का नोट के बारे में मैंने बताया है। दूसरा नोट ये है, आप देख सकते हो गल्फ इशू। तो ये दोनों में फर्क आपको बताया कि हज के लिए अगर जाते हैं तो सऊदी अरब ही जाएंगे, केवल वहीं यूज होगा ये नोट, लेकिन गल्फ इशू नोट है जो बहुत सारे जो गल्फ कंट्री हैं वो यूज करते थे, और ये केवल मुंबई से हुआ करता था इशू। आप देख सकते हो ये AK रॉय जी का ये नोट है, 1 रुपीज़ का रेड कलर का नोट है, है ना। तो ये नोट और ये प्रीफिक्स आप देखो, यहाँ जेड लिखा हुआ है, तो ये जेड प्रीफिक्स में ही केवल इशू हुआ करता था, तो इसको कहते हैं गल्फ इशू नोट। तो हज और गल्फ में अंतर आपको समझ में आ गया होगा, केवल देश में इस्तेमाल करने का अंतर होता है, ये एक देश के लिए है, ये सऊदी अरबिया और अलग अलग जो भी है
उस तरह के गल्फ कंट्री के लिए, तो गल्फ कंट्रियों के अलग अलग गल्फ कंट्रियों के लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है। तीसरा नोट आप देख रहे हो ये दी जापानीज गवर्नमेंट का ऑक्यूपेशन मनी है, है ना, ऑक्यूपाइड जो होता था वार के समय में, तो इस तरह का ये एक मनी है, 1 रुपीज का, 1 रुपए का ये मनी है, आप देख सकते हो ये जापान गवर्नमेंट का जारी हुआ है। दशक अब मैं आपको एक बैंक नोट बताना चाहता हूँ जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज बेस्ड मनी। अब इसको मैं आसान भाषा में बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हुआ करते हैं जिनके बहुत छोटे छोटे कंट्री होते हैं, ईस्ट कैरेबियन में बहुत सारे कंट्री है, ग्रुप्स ऑफ कंट्री है, 6-7 कंट्री है, ठीक है, और आपको सेंट्रल अफ्रीका में कुछ 6-7 कंट्री है। तो ये कंट्री के पास इन्होंने क्या किया ना, अपने जो भी 6-7-8 कंट्री है ना, इन्होंने क्या किया ना, अपना प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हर कंट्री में नहीं रखा। इन्होंने क्या किया कि 7 कंट्री है, एक कंट्री को कहा कि आप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी रखो और सारे कंट्री का नोट छाप दो। अच्छा, छाप दो, ठीक है। और सारे कंट्री का नोट को आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, अलग अलग कैसे करोगे कि ये कौन से कंट्री का, ये कौन से कंट्री का है। अच्छा। जैसे मैं बताऊं ईस्ट कैरेबियन कंट्री, सो ईस्ट कैरेबियन कंट्री का सारे नोट शायद एंटीगुआ एंड बरबूडा में छपता है। अच्छा, ठीक है, उसमें करीब करीब 7-8 कंट्री है, सारे नोट आपको 5 का 10 का 20 का सारे कंट्री का नोट सेम दिखेगा। अच्छा। बट उन सारे नोटों को डिवाइड किया जाता है कोड के हिसाब से, वो कोड जिसको प्रीफिक्स कहते हैं, जैसे सेंट लूसेंट एक कंट्री है, उसमें कंट्री आता है ईस्ट कैरेबियन में, सेंट लूसिया कहते हैं उसको, तो उसको डिस्टिंग्विश किया गया है, उसको मतलब दिखलाया गया, रिप्रेजेंट किया गया एल से, उसके नोटों पे एल दिखेगा, तो आपको समझ में आ गया सेंट लूसिया है। सेंट विंसेंट है, डिजाइन सेम होता है क्या? बिल्कुल एग्जैक्ट डिजाइन होगा, डिजाइन सेम होगा, प्रीफिक्स से केवल पकड़ेंगे कि किस देश का है, किस देश का नोट है। जैसे सेंट लूसिया है तो उसको एल, उसमें एल लिखा है, सेंट विंसेंट है तो वी लिखा हुआ है, सेंट किट्स है तो के लिखा हुआ है, ठीक है, एंटीगुआ एंड बरबुडा है तो ए लिखा हुआ है। तो हम उस पे एक कोई कोड डाल दिया गया, उस कोड नोट आपको एक जैसा ही नोट देखने को मिलेगा, बट उसको कोड के हिसाब से पकड़ते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बोल दो या ग्रुप्स बोल दो जो नोट बनाती है 5-7 कंट्रियों के लिए। अच्छा। इससे फायदा है कि आपको नोट पे खर्चा करना, आप छोटे कंट्री, आपके पास उतना बजट नहीं है नोट बनाने, आपको आपकी कंट्री में वाली पॉपुलेशन ही कम है, आपको उतना नोट पे खर्च, आप टेक्नोलॉजी लोगे तो आपको खर्चा ज्यादा पड़ेगा, और आप छोटे कंट्री हो या गरीब देश है, आप उसको तो उतना पैसा है नहीं या उसका उतना जरूरत नहीं है, तो वो क्या करती है ना कि ग्रुप ऑफ कंट्री को कहती है कि मेरे लिए नोट छापो, जो दोनों कंट्री का नोट आपको एक जैसा लगाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, आप देखो देख लो, आपको एग्जैक्ट सेम दिखेंगे, आगे से इसका फ्रंट देख लिया एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ इसके ऊपर आप देखना कोड लिखा हुआ है, जो प्रीफिक्स है वो आप देख लो, ठीक है। दोनों कंट्री अलग अलग है, ये बेनिन है और ये सेनेगल है, सेनेगल कोड क्या है? लेकिन ये नोट सेम लग रहा है, लेकिन इसका बी है ऊपर में लिखा हुआ और इसका के लिखा हुआ है, इससे पकड़ेंगे कि ये अलग अलग है, हालांकि छापने वाला जो है वो एक ही कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, लेकिन इसमें बी लिखा हुआ है, यहाँ ये देखो बी लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पे के लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखो इनका बैक साइड दिखाओ, बैक साइड भी सेम है कि आप दर्शकों को पता लगे कि बैक साइड में एग्जैक्ट सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, आप देखो सिग्नेचर भी सेम ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नोट होंगे, कोई अंतर नहीं है। नोट देखो आप, दोनों नोट आपको सेम दिख रहा होगा, एकदम सेम नोट है दोनों का, दोनों ये भी एक टाइप है, जैसे मैंने आपको बताया ये जो नोट आपको मैं दिखला रहा हूँ सर, ये नोट है सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री के नोट, अफ्रीकन कंट्री पे, इसमें भी 7-8 कंट्री है, यदि कोई कलेक्शन, ये 500 रुपए का डिनोमिनेशन है, यदि कोई 500 रुपए डिनोमिनेशन में करना चाहता है 6-7 कंट्री का, तो वो 500 डिनोमिनेशन में 6-7 कंट्री करेगा, सारे पे कोड डिफरेंट डिफरेंट होगा, ये भी कलेक्शन का एक, ये भी एक थीम है, इसको भी एक थीम बना के आप इसको पूरा कलेक्ट कर सकते, बिल्कुल, आप यदि कोई करना चाहेगा ईस्ट कैरेबियन पे, तो उसमें भी 7-8-10 कंट्री है, वो आप करो और सारे में कोड डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो इससे आपको उस कंट्री का, आप ये भी जैसे आपको इससे पता चल गया कि जैसे के से आपको मैं तो लिखा हुआ हूँ के से सेनेगल है, तो फिर उस टाइप से आपको कंट्री का नाम कोड के हिसाब से नाम पता चल जाएगा, ये भी एक टाइप मैंने बताया, सिर्फ मैं टाइप पे आपको बात कर रहा हूँ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद एक थीम बताया जा रहा है आपको, ताकि आप किसी एक थीम को भी पकड़ करके और अनंत प्रकार के कलेक्शन इस तरह के नोटों पर कर सकते हो।